तो यहाँ पर आप इस गीजर को देख सकते हैं। ये जो गीजर है, ये जिनका भी है उनका यह कहना है कि ये जो गीजर है वो चालू तो होता है परंतु इसके अंदर पानी गर्म नहीं होता है। तो इस कंडीशन में यह गीजर मैंने वहाँ पर जाके देखा, तो वहाँ पर मैंने देखा कि इसके अंदर जो लाइट है वो दोनों लाइट चालू भी हो रही है, इसके अंदर पानी के गर्म होने की हल्की सी आवाज़ आ रही है परंतु पानी गर्म नहीं हो रहा है। और यहाँ पर गीजर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी करंट भी नहीं आना था। तो यहाँ पे ये जो गीजर है इसके अंदर यह दिक्कत है कि इसकी जो कॉइल है वो यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, जिससे कि पानी गर्म नहीं हो रहा है। परंतु आपका कहना यह है कि इस गीजर के अंदर करंट क्यों नहीं आ रहा था, मतलब हम जब इसके हाथ देते थे तो यहाँ पर करंट क्यों नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था? इसके पीछे ये कारण है कि इनके घर में अर्थिंग लगा हुआ था जिससे कि जो करंट है वो खा लेता था, परंतु यहाँ पे कॉइल काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे इसकी जो कॉइल है इसको मैं बदलने वाला हूँ। इस कॉइल को कैसे बदलते हैं यदि आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के अंदर, जिसके लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे जो गीजर है इसकी वायरिंग कैसे करते हैं इसका डायग्राम के द्वारा यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल के अंदर है, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस प्रकार से हमें इस गीजर की जो कॉइल है वो बदलनी है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे जब आप इसकी कॉइल चेंज कर लेते हैं तो आपकी ये जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।